अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत होंगे। आज आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ उस्कुदार। उस्कुदार में एक यूनिवर्सिटी, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तुर्की के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। जो लोग तुर्की 2023 में मूव करना चाहते हैं स्टडी बेस पर, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको बताता हूँ उस्कुदार यूनिवर्सिटी, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। आपने अप्लाई करना है, खुद बजाते खुद अप्लाई करो, किसी की जरूरत नहीं है आपको। आपने इस बातों में नहीं आना है कि यार वहां पर जो ट्रांसलेटर होते हैं उनकी, अगर आपने ज्यादातर वीडियो देखी होगी जो आपको बताएंगे कि यार अगर आपका गैप कम है और आप अगर हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हम आप हमें ये स्कैन कॉपी डॉक्यूमेंट सेंड करिए, डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे हम यूनिवर्सिटी में देंगे, और आपका जो टॉपिक है, आपका जो डिग्री है उसके बारे में, आपका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम यूनिवर्सिटी में जाकर अपना स्पेस सर्च करेंगे, आपके लिए स्पेस सर्च करेंगे। तो मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, मैं जो वीडियो बनाता हूँ आज़रबैजान, टर्की, ये ऐसी जगह है जहां पर मैं रह चुका हूं और वहां पर मैंने, बल्कि आज़रबैजान में कम वक्त और तुर्की में मैंने बहुत ज्यादा वक्त गुजारा है। तो ये आप लोगों के साथ वो बातें शेयर करूंगा जो आपके इस आगे जाकर काम आएंगी। जो दोस्त यहां से मूव करना चाहते हैं टर्की, और 2023 में तुर्की आजाद हो चुका है, आपको बताया कि वो उनका जो मुआहदा था 100 साल का लोजान, वो खत्म हो चुका है। अब वो इंशाल्लाह डेवलप हो रहा है। मैंने कल उनकी वीडियो भी बनाई थी जिसमें आपको ये बताया था कि यार जो दोस्त ये सोचते थे कि पहले तुर्की जो था वो कम से कम 3,000, 4,000, 5,000 रिले सैलरी दे रहा था, अब वो 9,900 रिले तक उनके पहुंच गया। उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि देखें अब आप एडमिशन ले सकते हैं टर्की में। टर्की में एडमिशन लेने का क्या तरीका है कि सबसे अच्छा जो तरीका है, आपने क्या करना है कि उस्कुदार यूनिवर्सिटी का डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दूंगा, आपने जाकर वो देखना है और उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद वेबसाइट पे आपने जाना है और जाकर आपने क्या करना है, वहां पर ऑनलाइन एडमिशन करना है। 2 से 3 वर्किंग डेज में वो आपको रिप्लाई देंगे और आपको बता देंगे कि यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के या नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो क्या करेंगे, आपको एक लेटर इशू करेंगे, अप्रूवल लेटर। उसी अप्रूवल लेटर में बैंक नंबर होगा उनका, अकाउंट नंबर। हाफ फीस आपने पे करनी है। पे करने के बाद वो आपको ओपन लेटर इशू करेंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो एक्सेप्टिंग लेटर होता है वो आपको इशू होगा। आपने वो अप्रूवल लेटर, एक्सेप्टिंग लेटर, उसके बाद आपने क्या करना है, जिस बैंक में आपने फीस पे की है उसकी स्लिप ले जाकर आपने क्या करना है, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इन सब, इन जो डॉक्यूमेंट्स है उसको ले जाकर एक फाइल बनाकर आपने सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिक आपका वीजा अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि फीस आपने आप पहले दे दी होगी तो इसलिए आपको कोई इश्यू नहीं होगा और आपका वीजा अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं जरूर दूंगा, आपने जाकर वो क्या नाम है, खुद अप्लाई करना है। और भी यूनिवर्सिटी आप बजाते अपने अपने यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें 2023 के बाद इंशाल्लाह बहुत से गैप्स होते हैं, एजुकेशन, लैंग्वेज, मेडिकल, कल्चर, इस टाइप के बहुत से प्रोग्राम्स आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन दोस्तों को इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।